राजस्थान वेयर अहेड ऑफ अरेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नरेश मीना, राजस्थान मिनिस्टर जवाहर सिंह बेदाम हैज कंडेम्ड वायलेंट प्रोटेस्ट्स दैट हैपेंड इन दिलोई एंड कॉल्स इट कॉल्स द एंटायर इंसिडेंट फेटल टू डेमोक्रेसी. ही फर्दर अपील्ड टू एवरीवन टू मेंटेन पीस इन द स्टेट. लिसन इन. अशोक गहलोत जी का जो बयान है वो उनकी आंतरिक लड़ाई को प्रदर्शित करता है. उनके बयानों में झलक रहा है कि कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई चरम पर है. वो कहीं ना कहीं अपने नेताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं. ये ठीक बात है, वो जो प्रत्याशी निर्दलीय लड़ा वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है. वो क्यों लड़ा क्यों नहीं लड़ा आपकी जांच का विषय है. अपनी लड़ाई आंतरिक है तो उसकी जांच करिए, कार्रवाई करिए, वो आप करें. लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि देवली उनियारा की घटना निंदनीय है, शर्मनाक है. लोकतंत्र, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ऐसी घटनाएं घातक हैं. मैं युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए. अपनी राजनीतिक टीआरपी बढ़ाने के लिए आप लोगों का कोई दुरुपयोग करना चाहे नहीं हो, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात कर रहे हैं. 4 लाख नौकरियां सरकारी, 6 लाख निजी क्षेत्र में आपको देने की बात कर रहे हैं. रिसर्जेंट राजस्थान के तहत निवेश ला करके आपको रोजगार के अवसर उत्पन्न कराने की बात कर रहे हैं. राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने की बात कर रहे हैं. ईआरसीपी की योजना को धरातल पर ला करके किसानों को सिंचाई और पेयजल के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं. तो फिर कहाँ आवश्यकता पड़ गई है कानून हाथ में लेने की. शांतिप्रिय प्रदेश को शांतिप्रिय बनाए रखने के लिए मैं सभी भाइयों का आह्वान करूंगा, भोले भाले लोग भ्रमित नहीं हो. कानून अपना काम कर रहा है. जिन लोगों ने भी अपराध किया है, पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया, 60 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है. और किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग करने की कोई कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय वाक्य है, अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने की सोच, उसको आगे बढ़ाने के लिए आम जन को साथ लेकर के हम काम कर रहे हैं. All right, so there you heard it. Meanwhile, joining us at this point of time is my colleague Sameer Ur Rehman. Sameer, ये of course statement अभी दिया गया है जवाहर सिंह बेदाम जी से. He's of course condemned the attack in Rajasthan. Take our viewers to what it is that he said. जी, मैं आपको बता दूं, ये जवाहर सिंह मैडम राजस्थान के गृह मंत्री हैं. नरेश मीणा के द्वारा जो 13 तारीख की शाम को दिन में मारा गया था, उसके बाद धरना जारी था. शाम को खाने को लेकर जो विवाद हुआ, नरेश मीणा ने टोंक एसपी ने उनको हाथ पकड़ डालने की कोशिश करी, उसके बाद से नरेश मीणा और उनके समर्थकों के बीच झगड़ा हुई और उसके बाद से काफी ज्यादा हिंसा हुई, जिसमें 25 से ज्यादा 4-व्हीलर और मोटरसाइकिल चोट हुए थे, घायल भी हुए थे. उसके बाद पुलिस ने अभी कुछ किसी के यहाँ पर है, लेकिन ये कोई नहीं है. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.